तो हेलो दोस्तों, आज मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं अपने वर्ल्ड में बस यूं ही घूम रहा था, तभी मुझे एक विलेजर मिला। वो मुझसे कहने लगा, मुझे एक बुक मिली है जो मैं चैलेंज दे रहा था, जो मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, ऐसा कह रहा था। उसने मुझे एक बुक दी, मैं उसे पढ़ने लगा। हाय, आई एम मिस्टर ट्री लाला एंड आई चैलेंज यू डेट देयर इज मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन नॉट फाइंड इट यू नूब। वो मैं नूब कह रहा था। इफ़ यू वॉन्ट टू टेक दिस चैलेंज देन फाइंड इट, बेस्ट ऑफ लक, इट इज़ एट अ रेयर प्लेस। वाह, रेयर प्लेस, चलो ढूंढते हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। मैंने इस चैलेंज को कंप्लीट करने का सोचा था, क्योंकि यार ऑब्वियसली हम नूब तो हैं नहीं। मैं बोला ठीक है चलो, मैं बोला अपनी ज़रूरी आइटम्स ले लेता हूँ और मेरे चेस्ट में से आयरन की सॉर्ड और आयरन की एक्स भी ले लेता हूँ। बेड भी ले लेते हैं, रिस्पॉन पॉइंट सेट। ओह, एरोस भी ले लेते हैं। खाना पीना जो हो सब आने दो, किसको मालूम किस से फाइट करनी पड़े, लेकिन ये चैलेंज तो कंप्लीट करना ही है आज, कुछ भी करके। चलो थोड़ा और खाना जमा कर लेते हैं। ओके, चलो अब ढूंढने चलते हैं। ये तो एक नॉर्मल सवाना बायो में तो कुछ रेयर तो है नहीं। यहाँ पे शील्ड लगा लेते हैं, क्या मालूम किससे फाइट करनी पड़ेगी, कब मिलेगा वो। नॉर्मल डेजर्ट विलेज जाने तो आ गया, रेयर प्लेस लिखा हुआ था उसमें। कहीं तो मतलब कुछ तो रेयर होगा, कुछ भी करके ढूंढना पड़ेगा। गया मैसा बायोम। ओ, ओ, ओ भाई बच गया यार, मतलब अभी टपक जाते हम ढूंढने से पहले ही, और सही में नूक कहलाते। चलो अब यहाँ से ऊपर निकलते हैं। ओ भाई अभी वाट लग जाती, टपक जाते और सही में नूक कहलाते। ओ भाई तीन बायोम एक साथ, मेसा डेजर्ट और ये अकासिया। ओ भाई ये रेयर हो सकता है। हाँ भाई, क्योंकि मेसा बायोम में विलेज नहीं होते, लेकिन ये ओ भाई सामने विलेजर आउटपोस्ट भी है, हो सकता है वो स्वॉर्ड हमें यहीं कहीं मिल जाए। ओ भाई, क्योंकि तीनों बायोम एक साथ और वो भी विलेजर आउटपोस्ट एकदम विलेज में ही, और विलेजर जिंदा है। भाई इनके यहाँ तो चेस्ट भी नहीं है, मेरे को वो वेपन मिलेगा कहाँ। आयरन की एक्स आगे रख देता हूँ। ओके, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ओहो, सामने खड्डी खड़ा है, पर अपने को क्या, फिलहाल तो अपने को हेबल ले लेने की है। खाना कब काम आ जाए नहीं कह सकते कुछ। पहले खड्डी की चड्डी बजा लेते हैं। यार ये लोग डेजर्ट बायोम वाले में, और इन्होंने क्रॉप्स उगा रखी है अकाशिया वाली। देखो यहाँ पे डेजर्ट के बीचों बीच, मतलब डर्ट कहाँ से आई डेजर्ट के बीचों बीच। भाई कुछ ज़्यादा ही रेयर नहीं हो गया, मेसा बायोम डर्ट और बीचों बीच डर्ट।
कुछ अलग ही लॉजिक है इनका तो अपना ही। देखो सामने पिलेजर आउटपोस्ट है, वो गोलम वहाँ पे खड़ा है, तो क्या यहाँ पे अंदर पिलेजर नहीं है क्या? चलो पहले तो सारी हेबल्स कलेक्ट कर लेते हैं, क्या मालूम कितना दूर जाना पड़े, कब खाने की ज़रूरत पड़े। रुको रुको मैं ये क्रॉप वापस लगा देता हूँ, इतना तो कर ही सकते हैं। जाओ सीड नहीं चाहिए हमें, एरोस तो हम लेंगे जितनी होगी उतनी लेंगे, क्या मालूम कहाँ लड़ना हो क्या करना हो। थोड़ी और हेबल्स, तो ज़्यादा नहीं होगी हेबल्स, 20। ओ पिलेजर है यहाँ पे। चलो बेटे लड़ने नहीं आने का, तो खा लेते हैं। अब बताता हूँ तेरे को, बेटे विलेज में कहाँ छुप रहा है तेरा ना। चल और कोई है वहाँ पे? एक है वहाँ पे, एक है। ध्यान से पहले सारा सामान लेना पड़ेगा। चलो भाई जल्दी जल्दी कलेक्ट करो, कभी भी यहाँ पे ले जल आ सकते हैं। मैं तो कुछ आर्मर भी नहीं पहना, इतनी हेबल्स बहुत हो गई, 37। चलो थोड़ा ब्रेड बना लेते हैं। तो चलो मेरे हिसाब से एक स्टैक ब्रेड बहुत होगी, बाकी की जरूरत होगी तो अपन बाद में बना लेंगे, अपने पास एबल तो है ही। ओ मतलब वीट। चलो पहले सो जाते हैं। चलो अभी वो ढूंढते हैं वेपन जिसके लिए हमें चैलेंज दिया गया है। ए यार एक तो उठते ही ये नमूने, मेरे को इनसे नफरत है। क्या है भाई तुम अपना काम करो ना, मैं अपना कर रहा हूँ तुम अपना काम करो, क्या ही दिक्कत है। आजा आजा तीरंदाज आजा। क्या यार बे, हाँ ले 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 ले, तेरा एरो तेरे को ही मारूंगा। एक गया, पता नहीं इनको अलग ही दिक्कत है। और यहाँ पे मशरूम कहाँ से आ गए थे, क्या मालूम क्या है ये। चलो और आगे चलते हैं, कहीं ना कहीं तो होगा वो वेपन। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसी विलेज में होगा, क्योंकि ऐसा कुछ मैंने तो पहली बार ही देखा है। तुमने देखा हो तो तुम बताना मुझे। ओह ये बड़ा घर लगता है, यहाँ पे है क्या? सिर्फ दिखने का बड़ा था और कुछ नहीं था। हाँ भाई खाली कोल्ड्रन में से क्या ही पानी निकाल रहा था पता नहीं वो। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है भाई। कहाँ पे है, यहाँ पे है क्या कुछ? यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल ही है। चलो ये लास्ट घर है, देखते हैं यहाँ पे कुछ है कि नहीं। यहाँ पे तो नीचे तो कुछ नहीं है, ऊपर चल के देखते हैं। चलो चलो ओ छह बच गया। चलो देखते हैं, पता नहीं वो वेपन कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ए यार कहाँ होगा वो वेपन, चलो चलते हैं देखते हैं। वो यहाँ पे एक चेस्ट है, वो हाँ यहाँ पे एक चेस्ट है, वो मिल गया। लॉन्ग शॉट मिल गई, वो ये ही है क्या वो वेपन? डैमेज 8+, ब्रेड भी है, रख लेते हैं। क्या पता कितना दूर जाना हो, ये वेपन है भी नहीं वो।
ये अगर वेपन हुआ ना वही, तो पक्का मैं एंडर ड्रैगन मारूंगा अभी इसी वीडियो में। अगर यही वो वेपन हुआ तो टॉर्च ले लेते हैं, एक से अपना काम हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या। ओह भाई ये वही वेपन है, स्पीड, स्ट्रेंथ, जंबूस, रीजनरेशन, फायर रेजिस्टेंस, वाटर ब्रीडिंग, नाइट विजन, एब्जॉर्प्शन। ओह भाई सारे ही तो मिल गए, सारे ही तो पोशन मिल गए। ओह भाई ये पूरा स्क्रीन में फिट भी नहीं हो रहा, देख रहे हो तुम? ओह भाई सच में इतना स्ट्रॉन्ग है यार, कितनी बड़ी और कितने सारे पोशन मिल गए हमें। ओह भाई देखो अब कितना बड़ा है, अब जाके कहीं दिख रहा है तुम्हें? चलो चलो चलो, एंडर ड्रैगन तो आज गया, देखते हैं क्या है। पहले तो इन पिलेजरों को बताता हूँ, बहुत बहुत मत्था खा रहे थे ना, इनकी वाट लगाऊंगा पहले मैं। ओ भाई इसके साथ जो मज़ा आ रहा है ना भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं मेरे को। वो इन्होंने एक आयरन गोलम भी पकड़ कर रहा है, पर पहले मैं इनको ही ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद आयरन गोलम या ऐसा कुछ जो भी है। चलो ऊपर चलते हैं। ओ भाई इससे कितना ज़्यादा जंबूस मिलता है यार, ऊपर तक कूद के मैं आ गया। पिलेजर आ गया। ओ भाई इसके अटैक से भी मैं नहीं मरा, मैं तो वो वाला हार्ट वन शॉट, पिलेजर वन शॉट कर दिया इसने भाई, क्या ही गजब तलवार है। चलो देखते हैं इनके चेस्ट में क्या है। एक है आयरन के ब्लॉक स्टैक और पावर टू का बो, भाई क्रॉसबो, पटेटो सब ले लो, वुड भाई कुछ छोड़ना ही नहीं है, तुम फ्लावर रख लो। पर आयरन के ब्लॉक का एक स्टैक कुछ ज़्यादा नहीं हो क्या भाई? पहले तो शील्ड लगा के देखता हूँ कि पिलेजर का वो लग जाएगा नहीं, लग तो नहीं रहा। ठीक है चलो ये सब छोड़ो, वापस शील्ड लगाओ और अपने लिए आर्मर बना लेते हैं। भाई क्या ही लूट मिल गई है अब तो। ये सब रखो, ये कुछ काम का है नहीं। चलो चलते हैं अपन यहाँ से। चलो चलो नीचे चलो। भाई इससे जंबूस तो जंबूस, स्लो फॉलिंग भी मिल रहा है तो डैमेज ही नहीं है भाई नीचे गिरने पे भी। भाई इस ये तुम्हारे पास जब तक स्वॉर्ड है ना, सही में ये बहुत ओपी स्वॉर्ड है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। और ये जगह भी बहुत रेयर, बहुत रेयर थी बहुत। चलो अब यहीं से नेदर चलते हैं, पर नेदर जाएंगे कैसे, उसके लिए तो ऑब्सीडियन और ये सब ढूंढना पड़ेगा। ठीक है चलो, फोर्ट्रेस तक मिल चुका है, अब बस इन ग्लेस की बैंड बजानी है मेरे को। एक तो ये जंप बूस्ट है ना, उसकी वजह से तो उड़ने लग रहा हूँ, पर ठीक है चलो, कम से कम मेरे को फायर रेजिस्टेंस मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको मारना कोई बड़ी बात है नहीं, एकदम वन वन शॉट ही तो है सब। बिना आर्मर के मैं इनको मार रहा हूँ नेदर में भाई, चप्पल दस शॉट है, चप्पल दस भाई, सबको ख़त्म कर लूँगा। भाई साहब सही में अगर मेरे पास ये सॉर्ड नहीं होती ना, अब तक तो मैं मर चुका होता। ओके छः हो गई है, बस दो और। भाई तू क्यों अलग परेशान कर रहा है, जाना है यहाँ से। यार एक तो इनको मारने के बाद इनके टुकड़े इतने हो जाते हैं ना। हाँ भाई पहले तुम लोग मार लो एक साथ सब मुझे।
हो गया तुम्हारा। ये गई प्लीज एक और, बस ये लास्ट दे देना प्लीज। गॉड कहाँ पे जा रही है डर के, जरा गई पर ब्लेज नीचे गया। कितने हुए, 7 हुए ना, बस एक एक ब्लेज और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। भाई स्पॉन हो जा, आ गई खत्म। इसने ब्लेज दी, हाँ दी, चलो चलते हैं, स्पॉनर तोड़ देते हैं, कुछ काम का नहीं है तो। चलो भाई चलते हैं यहाँ से, अब हमें इस फोर्ट्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑब्सीडियन पड़े हैं तो कहीं एक अच्छी जगह पे पोर्टल बना के निकल जाते हैं। तो ये स्वॉर्ड हाथ से हटाते ही ना नाइट विजन और ये सब चला जाता है आगे से। पीछे से कोई मारना मत, तब तो किसी ने नहीं मारा पर मैं नेदर में हूँ। लग जा यार, लग जा यार, मेरे को आग ही लग गई, ऑब्सीडियन लगाने गया तो। ओ ब्लेज ने मारा, फोर्ट्रेस भी बढ़ाया पर यार कौन है यार भाई, मेरे को शांति से जाने दो ना। क्या क्या मतलब तुम्हें इतना मजा आ रहा है सबको मरवाने में, एक एक शॉक तो हो रहे हो तुम। 2000 years later। चलो भाई स्ट्रॉन्ग होल्ड, यस। क्या एंडर ड्रैगन इस शॉट से वन शॉट हो जाएगा, होता हो तो तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हो गया, बिना क्रिस्टल तोड़े एंडर ड्रैगन वन शॉट हो गया। चलो यस वन शॉट हो गया भाई, यार वन शॉट, वो भी बिना एक भी क्रिस्टल तोड़े, बिना आर्मर के हमने माइनक्राफ्ट ख़त्म कर दी। चलो अब अपने वादे मुताबिक वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में।